जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफ अब्बास मियां लतीफ़ है और आज एक बहुत बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज आप बुझें कि मेरे माँ बाप की एनिवर्सरी है। तो आज हमने बहुत बहुत तैयारियाँ की हैं, आज रमज़ान भी है तो इफ्तारी का भी हमने एहतमाम किया है। तो आप मेरे साथ आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, ये हम सब ने मिलकर सब कुछ अरेंजमेंट किया है, बस सडनली सरप्राइज़ हमने दिया है अपनी बहन को और अपने भाई को, सब मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक और क्यू भी दिखाना चाहती हूँ, ये है फरहान साहब जो इस वक्त बहुत बिज़ी हैं कुछ बनाने में। कुछ चीज़ें हमारी रेडी हैं, जैसे ये चीज़ इधर से, ये चीज़ तैयार हो रही है और साथ में फरहान भी इधर, देखें फरहान जी, फरहान बिजी, फरहान बिजी है। तो मैंने कहा चले आज बाजी बीना की जगह पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ इंजॉय करूं। अब सैफ कुछ सरप्राइज दिखाना चाह रहे हैं हमें जी। अरे वाह सैफ, ये तो आप सब ने, हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट किया है और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। ये देखें जी, जो हम सब ने मिलकर, लड़कियों ने, मैंने और सैफ ने, ज़ारा ने, फिज़ा ने, फरहान ने इसको रेडी किया है सरप्राइज़ देने के लिए भाई को, और मैंने अपनी बहन को, ये उनकी आज हैप्पी एनिवर्सरी है। तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा उनका साया हम पर कायम उदैम रहे, और उनका बेटा जो बड़ा है बिलाल, वो उनकी बहू हीना, और छोटा बेटा जो है वो सैफ अब्बास है जिससे आप काफ़ी दफ़ा मिल चुके हैं और बड़े बेटे से भी मिल चुके हैं। तो फरहान जो मेरे हस्बैंड है उनसे भी अभी आपसे मुलाकात हुई है, शुक्र है अल्लाह का। साथ साथ में हम लोग रमज़ान की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ आपको ये सरप्राइज़ पार्टी भी दिखा रहे हैं। बाकी हम लोग बच्चों को भी याद कर रहे हैं, आरूश को और शयान को और क्या नाम है, शनाया को, हसनैन को, आई मिस यू ना, कैसी हैं आप। हम लोग भी शुक्र अल्लाह का सब ठीक ठाक हैं, साथ में एहतमाम किया हुआ है रमज़ान की अफ्तारी का और साथ में भाई की एनिवर्सरी का, और वो लोग बाहर निकले हुए हैं अपने गार्डन गए। हाँ जी ठीक है, वो तो उनके, उनको नहीं इस चीज़ का इलम क्या हमने आज क्या किया है। उनका फेवरेट गाना हमने यहाँ लगाना, अभी आपको दिखाएंगे। उनको इस चीज़ का हमने सारा कुछ सेट किया होगा छुपके छुपके, और दरवाज़ा भी हमने बंद किया ताकि उनकी जब एंट्री हो तो हमें इलम हो, क्यों जी साहब, ठीक कह रहे हैं ना। बाकी आस्ता आस्ता देखें, अभी कुछ चीज़ें बन रही हैं, इसलिए ये कुछ चीज़ें जो हमने रेडी की हैं वो हमने यहाँ टेबल पे रखी हैं। बाकी अभी कुछ चीज़ें किचन में हैं जो हम तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जैसे वो तैयार हो जाएंगी फिर हम टेबल पे लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे फिर इंशाल्लाह, और आपके व्यूज़ भी लेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब के लिए, तब तक हमें थोड़ी सी ब्रेक दे दीजिए। Happy anniversary, happy anniversary. अभी इंतजाम बाकी है, अभी इंतजाम बाकी है, अभी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उन्होंने लेटर लेकर आए हैं, शायद ईदी देना चाह रहे हैं रमज़ान से पहले ही हमें, तो हम उनका वेलकम करते हैं। तो ये खुश वेरी गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये जरा गौर करें हमने जो कुछ किया है, अब कैसा बना है सारा? बहुत अच्छा, अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगा इन बच्चों का सरप्राइज, साथ में सैफ ने रोजा अफ्तार किया। अच्छा खाना बनाया जी। हाँ जी,
बेशक अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में मैं अपनी वो जो बनाई है गार्डन की वो भी और साथ ये सारी एक ही दफ़ा में डालूंगी, देखिएगा प्लीज़, ज़रूर मिस मत कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा देख के वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي علم يا جو بھی آج ماما نے اجوق سانا نے انہوں نے جو بھی مل کے پکایا ہے وہ ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کو آپ کو رزق نے اس پیش کرتے ہیں کہ پوچھ فرما دیں علم یا جلد چلتا جی فرما اور یہ وہاں سال میں ہمیں بھی شامل کر الہی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی मगर बहुत अच्छा बना हुआ है, कबाब चिकन के कबाब बड़े अच्छे बने हैं। ये बस सब रोजे दारों की खातर है सारा कुछ हो रहा। बच्चों ने सब ने रखे, सैफ ने, जहरा ने, फिजा ने, सब ने रोजे रखे हैं तो फिर इनकी वजह से मुझे भी ये कार होता है काम करने का। फिर आंटी साथ मिल जाती है तो फिर आज तो आपने भी फिजारा फिजा ने ये सारा मिल्क शेक और ये हाँ बस आज कमी जो महसूस हुई मुझे वो जारा ने आज सलाद नहीं बनाई। मियाँ सब सेब बहुत मज़े के थे, मैंने टेस्ट किए चेक किया इनका मज़ा बड़ा मज़े का था तो मैं अब कबाब भी खा के दिखा बताती हूँ आप। फरहान आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी? है ना सारे तकरीबन अपनी जगह पे अच्छा है ना मज़े का। मज़े भी अच्छा बना। हाँ।